गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो हर बार की तरह एक नई सिटी, और इस वक्त मैं हूँ मुंबई में और आप मेरे आसपास बहुत सारी गंदगी देख पा रहे होंगे और ये गंदगी हम ही लोगों ने फैलाई है मोस्टली बीच पे आके। तो अभी मैं हूँ जू बीच पे और ये है पीछे पूरा समंदर। तो आज का सीन क्या है, आज जो मैं बैंक के लिए शूट करता हूँ उनका इवेंट है यहाँ पे, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आके बीच क्लीन करने वाले हैं, तो उस पूरे इवेंट को मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये है आज का सीन। और मैंने आपको इंदौर घुमाया, कानपुर घुमाया, लखनऊ नहीं घुमाया, सॉरी दिल्ली घुमाया, तो आज बारी है मुंबई घुमाने की। तो शूट के बाद आपको घुमाते हैं मुंबई, और स्पेशली आज हम आपको घुमाते हैं वंदे भारत से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वंदे भारत से सफ़र करने वाला हूँ मैं आज। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मंजूर है आपका ये फैसला जी हमें। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और धूप यहाँ पे बहुत प्यारी निकल रही है। तो अभी हम आपको मिलाते हैं मेरी टीम से। मेरे साथ 3 लोग और हैं जो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। इस साइड से मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ, हालांकि काला हूँ थोड़ा और काला दिख रहा हूँ, बट इट्स ओके, चलता है। तो बाकी की टीम से मैं मिला देता हूँ। ये है सिद्धेश, बल्लभ, चंद्रा। तो ये चारों लोग मेरे साथ आज जो इवेंट है वो पूरा कवर करने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट है, कचड़े को देख के कितना एक्साइटमेंट है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो आसपास का जो भी प्लास्टिक है, जो भी कचरा है वो है। तो हम लोग कचरा देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई कचरे की फोटो लेनी है। सो मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे आके भाई साहब क्या मौसम लग रहा है यार, बड़ा प्यारा। पीछे पूरे बादल दिख रहे हैं, सामने से सूरज की रोशनी और रेती रेत चारों तरफ। बट सुबह सुबह 7 बजे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पूरे पसीना पसीना हो रहा है शरीर में, और मुझे नहीं लग रहा 2 घंटे का भी शूट है और क्या हालत होने वाली है नहीं बता सकते हम। तो अभी टाइम हो रहा है 9 और शूट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ बाकी है और गर्मी इतनी ज़ोर सी हो चुकी है कि मैं पूरा पसीने में नहा चुका हूँ, और क्या बहुत बहुत गंदा हालत है यहाँ पर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हालाँकि समंदर है पास में, हवा भी चल रही है, बट रेत की वजह से यहाँ पर गर्म तो हो रहा है। तो ये मौसम थोड़ा सा गर्म गर्म ज़्यादा है मुंबई, और मुंबई की गर्मी हर कोई जानता है, कब कहाँ पे कैसे हो जाए कुछ मालूम नहीं है। ये फैसला कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी। तो अभी सारा सामान पैकअप हो चुका है, और पैकअप होने के बाद अभी जो मेरा प्लान है कि थोड़ा बीच घूमेंगे और उसके बाद जाएंगे अमिताभ बच्चन के बंगलों के पास में, अंदर जाएंगे किसी दिन कभी तो। और अभी का प्लान सिर्फ इतना ही है, और देखते हैं आज का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अभी सिर्फ टाइम 9:30 बजे है और गर्मी इतनी गंदी वाली हो चुकी है कि लग रहा है कि दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं, और मैं इतना और ज़्यादा काला हो गया हूँ, हालाँकि पहले से काला था और काला हो गया हूँ। आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। तो अभी पानी, जब सुबह में आया था पानी बहुत पीछे था, और अभी समंदर का पानी यहाँ तक आ रहा है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और निकलने के बाद बाहर देखेंगे। मुझे अभी मालूम नहीं है कि जलसा यहाँ से कितना दूर है, जो अमिताभ का बंगलो है, और उसके बाद ढूंढेंगे आसपास और क्या क्या है। मुझे इतना कुछ खास मालूम नहीं है। जू बीच पे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उनके बंगलो तो है, बट कहाँ पे है वो मैं अभी गूगल करूँगा और उसके बाद फिर आपको घुमाऊँगा। तो सिद्धेश, आज का एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत सही था एक्सपीरियंस, बहुत हेक्टिक भी था, पूरा धूप में बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो गई, बट अच्छा था एक्सपीरियंस। मतलब तुम्हारा भी अच्छा था, अच्छा लग रहा है, अच्छा ने काम किया, एक पुणे वाले को समुंदर दिखाया। ये फैसला कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया
बस के अपनी। तो फाइनली मैं आ गया हूँ जलसा गंगे, जो आप मेरे पीछे बंगलो देख रहे हैं ना, तो ये है अमिताभ बच्चन का बंगलो जलसा, जिसको जलसा बोलते हैं। सिक्योरिटी के रीजन से वो गेट के सामने वीडियो नहीं बनाने दे रहा। उनका कहना ये है कि कैमरे लगे हुए हैं और कुछ वो वीडियोस नहीं बना देते। अगर आप फ़ोटो लेना है तो आप फ़ोटो ले सकते हैं, तो उस वजह से मैं उनके गेट के जस्ट आगे तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ। बट आप यहाँ से बंगलो देख सकते हैं, और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं अलग एंगल से भी आपको बंगलो दिखाऊँ। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी। ये मोमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। जब मैं छोटा था तो मैंने अमिताभ बच्चन की मैं मिमिक्री भी करता था, तो भले ही यार उनसे मिलना मतलब देखना नहीं हो पाया, बट उनके बंगलों को देख लिया। और ये वीडियो मैं सेव करके रखूँगा, जिस दिन मिलूँगा मैं उनसे तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाऊँगा कि देखिए सर मैं आया था आपके पास, आपके बंगलों के पास से बंगलों देखने के लिए, और बंगलों देख के मैं वापस चला गया था। तो अभी जलसा घूमने के बाद, यानी कि जूहू के साइड में घूमने के बाद अभी आ गए मैं, तो जूहू के साइड घूमने के बाद अभी मैं आ गया हूँ अंधेरी रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं लोकल ट्रेन लूँगा दादर, और दादर से फिर CST। तो अभी CST जाएंगे, काफ़ी टाइम है मेरी ट्रेन के लिए, और कुछ अभी घूमने का मूड नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा है और अकेले घूमने में उतना मज़ा भी नहीं आता। तो CST जाके कुछ खाएँगे भी, और अभी CST में ही बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो शाम को समथिंग 4 बजे, तो अभी यहाँ से टिकट निकाल लेते हैं। ओके, मिल गया टिकट, घर सामने ही है। पहले तो मैं ये पोर्टल डाल लेता हूँ। यहाँ पे जो भीड़ का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा है, इतना भीड़ मिलेगा चढ़ना मुश्किल हो जाता है। और आप अगर मुंबई में कभी आए होगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे मोस्टली लोग बैग को आगे करके चढ़ते हैं, अगर बैग को पीछे रखेंगे तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होती है। हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी, हमें मंजूर है आपका ये फैसला। तो अभी हम आ गए हैं CST रेलवे स्टेशन, यानी कि छत्रपति महाराज टर्मिनल, और यहाँ से मेरी ट्रेन है। और ये जो आप बाजू में प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे रावण मूवी का जो एक सीन है जहाँ पे शाहरुख खान ट्रेन रोकता है, जहाँ पे शाहरुख खान ट्रेन रोकता है और वो यहाँ पे स्टेशन पे आके टकराती है, तो यहाँ पे ही वो एक उसका VFX देखा नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे ही उसका VFX करके उस स्टेशन को उड़ाया था ट्रेन के जरिए, तो ये वही है। और ये जो स्टेशन बहुत आलीशान बना, एक महल की तरह दिखता है ये, हम इसको बाहर से दिखाते हैं, और बाहर से जब आप देखोगे तो आपको एक सीन याद आएगा। तो मैं आपको स्टेशन के बाहर से दिखाता हूँ, जहाँ पे आपने बहुत सारी मूवीज में उस सीन को जरूर देखा होगा, और मोस्टली वो मुंबई को आइडेंटिफाई करने के लिए उस सीन को दिखाते हैं। तो चलो मैं आपको वो बाहर से दिखा देता हूँ। तो ये है वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी फिल्मों में ये सीन दिखाया गया है, और जो कैमरा सेटअप होता होगा वो ये एरिया होता होगा, यहाँ से कैमरा लगा के सामने का ये बिल्डिंग जो है वो बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है। और नाइट में यहाँ पे एक पूरा तिरंगे का जो लाइट होता है वो लाइट लगा के बहुत प्यारा व्यू दिखता है। तो अभी नाइट का व्यू तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट अभी का जो व्यू है वो आप इन्जॉय कर लो। गर्मी बहुत ज़ोर से हो रही है, मैं पूरा पसीने में भीग चुका हूँ। अभी फिर से निकलते स्टेशन के लिए, और मैं चारों के स्टेशन पर बैठूँगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंडा भी है, बाहर तो बहुत गंदी वाली गर्मी है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप CST से गेटवे ऑफ इंडिया या फिर ताज होटल घूमना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप CST के पास से ही बस मिलती है, जो सिर्फ 6 रुपये लेता है,
6 रुपये में आप CST पहुँच जाओगे, सॉरी आप 6 रुपये में CST से गेटवे ऑफ इंडिया और ताज जो होटल है वो वहाँ पे पहुँच जाओगे। CST रेलवे स्टेशन के पास एक मार्केट भी है, तो आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक रेट में सामान मिल जाता है। मुझे ना एक साइड बैग लेना है, तो वो मैं मार्केट में देख लेता हूँ यहाँ पे, और आपको इसी बहाने मार्केट घुमा देता हूँ जो CST के पास में है। सुना है मैंने कि थोड़ा ठीक ठाक रेट में, सस्ते रेट में मिल जाता है, तो ट्राई करते हैं। मुझे साइड बैग चाहिए था जो मुझे शूट के टाइम पे लगता है, कई बार लेंस चेंज करने पड़ते हैं या फिर माइक लगाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए अगर साइड बैग होगा तो हम उसमें आराम से रख सकते हैं बाकी जो मेरे सामान हो गए। तो चलो एंटर कर देते हैं मार्केट में। तो अभी मैं जो साइड बैग लेने तो आया था, लेकिन साइड बैग तो मिला नहीं, बट मुझे मेरे कैमरे और लैपटॉप के लिए बैग चाहिए था, सो वो मुझे मिल गया है। तो रोक भैया की दुकान से मैंने मेरा बैग लिया, तो बैग अच्छा मिला। इसका जो रिव्यू होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर आपको भी कुछ चाहिए यहाँ से तो आप CST के पास से ले सकते हैं। कार्ड ये है, आप जूम कर लीजिएगा इसको क्रॉस करके, क्योंकि मोबाइल शॉप भी है और भी म्यूज़िक भी है, तो एक पूरा मार्केट है CST के पास में ही, तो आप आके इनको विज़िट कर सकते हैं। लेने कुछ और गया था, लेके कुछ और आ गया हूँ। मैं साइड बैग लेने गया था कि मेरे लेंस और माइक रखने के लिए, बट मुझे एक और बैग लेना था जिसमें मेरा कैमरा और लैपटॉप और बाकी जो सामान है वो आ जाया करे, तो उसके लिए मैं एक ये बैग लेके आ गया हूँ। ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो सोचा मुंबई आए हैं तो एक बार बैग ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बैग मुझे समथिंग 2500 की समथिंग पड़ा ही है, ठीक है। पुणे से थोड़ा सस्ता है, क्योंकि मुझे मालूम है पुणे के रेट, पुणे में बैग वगैरह बहुत महंगे मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बैग लिया था उसमें लैपटॉप का कंपार्टमेंट नहीं है, फिर भी वो बैग मुझे 2000 का पड़ा था। इसमें लैपटॉप का कंपार्टमेंट है तो थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और पिछले 3.5 घंटे से मैं स्टेशन पे घूम रहा हूँ। बहुत गंदी गर्मी है यहाँ पे, और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप मुंबई आना चाह रहे हो घूमने के लिए, तो जब बारिश शुरू हो आप तभी आना, क्योंकि बारिश के जस्ट पहले जो गर्मी होती है मुंबई में वो मतलब बर्दाश्त करने के बाहर वाली गर्मी होती है। इतना गर्मी हो रहा है कि कहीं पर भी बैठ रहे हैं तो पसीना आ रहा है, और अभी जस्ट मैं वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था, वहाँ पर भी इतनी गर्दी है कि AC कुछ असर ही नहीं कर रही है। AC वाले वेटिंग हॉल में भी AC का कुछ असर नहीं हो रहा है, इतनी वहाँ पे भी भीड़ हो ही रखी है। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो ट्रेन आ चुकी है, और आप आसपास भीड़ देख सकते हैं कि किस हिसाब से और कितनी भीड़ है। हमारा कोच नंबर C3 है, लेकिन मैं C9 से ऊपर चढ़ गया हूँ, और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें मेट्रो की तरह आपस में जो डिब्बे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हम आराम से एक डिब्बे में चढ़ के लास्ट तक जा सकते हैं जहाँ पे भी मेरा कोच होगा। तो आपको अंदर से भी थोड़ा सा हम व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर से देखना भी ज़रूरी है, और काफ़ी नई नवीली है और साफ़ सुथरी भी। अब सफ़र के बाद और मज़ा आएगा कि इसकी रफ्तार सुना है सबसे फास्ट ट्रेन है, तो देखते हैं। बहुत स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, आदि मुझे लग रहा है नीचे से चलते हैं, ऊपर से लोग आगे में चल रहे हैं और वो बहुत स्लो चल रहे हैं, तो मुझे लगा सबसे बेस्ट होगा कि हम सीधे अपने कोच में जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको मेरे कोच से सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो मुझे लग रही होगी कि आपको बतानी चाहिए, वो मैं बता दूंगा, और आपको वंदे भारत का वर्चुअल टूर भी करा दूंगा कि वंदे भारत एक्चुअली में अंदर से कैसी है और
क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। फाइनली मेरा डिब्बा आ गया है और मेरा डिब्बा सबसे पीछे है, मतलब इंजन के जस्ट पीछे वाला डिब्बा है। चलो करते हैं एंट्री यहाँ से। तो मैं आपको अभी, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे गेट है जो खुल गया है और मेरे कोच में कोई नहीं है, मैं मेरे कोच में बिल्कुल अकेला हूँ। और आपको इससे और अच्छे से मैं पूरा आपको एक टूर करा पाऊँगा। मेरा सीट नंबर है 49, सो 49 इधर है विंडो सीट। मैंने आपके लिए स्पेशली विंडो सीट ली थी और एक्चुअली खुद के लिए भी, बट यार बैड लक मुझे एक चीज़ लग रही है यहाँ पे, वो ये कि मेरे सीट के पास ये पड़ा है, मैं बाहर का अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। बट कोई बात नहीं, पूरी सीट खाली है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं किसी और सीट पे बैठ जाऊँ जब तक कोई और नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सर। तो आप थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी सर, गरम करके देते हैं सर जी। गरम करके देते हो? हाँ, तो हमको भी मिलने वाला है, है? हमें भी मिलेगा फिर? हाँ मिलेगा सर। ओके। मिलेगा सर, थैंक यू सो मच। तो ये नरेंद्र सर है और आप यहाँ पे किस सर? यही सिचरी में सर रहते हैं। ओके ओके, तो ये हमको खाना देने वाला है थोड़ी देर में। जी सर, तो हम इनको आपको मुलाकात करेंगे सर। ये देखो बाहर से यहाँ पे सफाई चल रही है, ये शायद मुझे बाहर से अंदर नहीं देख सकते बट मैं इनको देख सकता हूँ। तो ये क्लीन कर रहे हैं, काफ़ी मेंटेन करके ये चीज़ों को रखते हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से रखते हैं। मैंने देखा था यहाँ पे कि ये न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं पढ़ने के लिए, पानी से लेके खाने तक की सारी सुविधाएँ रहती हैं यहाँ पर और फैसिलिटीज़ अच्छी है। जो स्टाफ है उनका नेचर बहुत अच्छा है, होप सफ़र भी उतना ही अच्छा होगा। मेरा सीट इससे जस्ट पीछे वाला है, फिलहाल में यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। अगर कोई आएगा तो फिर उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा, फिलहाल में तो क्योंकि मेरी सीट के आगे ना एक वॉल पड़ गया है तो विंडो सीट का मज़ा उतना तो नहीं आएगा, बट ठीक है देखते हैं। कोई ना कोई तो सीट और जो है वो खाली रहेगी और उसके साथ फिर हम अपडेट करते रहेंगे। आप लगभग 3 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं आ गया हूँ मुंबई से पुणे और अभी मैं बस से जाने वाला हूँ घर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए।